यस सो वही हमारी थियरी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सेकंड टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, क्या है? मॉलिक्यूलर असिमेट्री, कीरालिटी और काइरालिटी एंड एन एंटी एन एंटियोमर्स। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। The observations of Louis Pasteur, देखो ये एक साइंटिस्ट फिर से है, Louis Pasteur नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया क्या, दैट क्रिस्टल्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, मतलब कोई कंपाउंड लिया, क्रिस्टल लिया कोई कंपाउंड का, ओके, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेजेस, मतलब जिसकी मिरर इमेज है, लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो फिर से पढ़ता हूं, क्या बोल रहे हैं पहले, बाद में पढ़ता हूं, पहले क्या बोल रहे हैं वो समझो। लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट थे, ओके, उन्होंने 1848 में बोला कि ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब स्पेस में मॉलिक्यूल के साथ हमारी जो पूरी चेन है, ओके, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं स्पेस के अंदर, ओके, वही एनालिसिस, वही स्टडी को हम स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो मॉडर्न स्टीरियो केमिस्ट्री है उसका फाउंडेशन किस वजह से हुआ, तो बोल रहे हैं कि उन्होंने, लुईस पाश्चर ने ऑब्जर्व किए थे एक ही कंपाउंड के दो क्रिस्टल, एक क्रिस्टल लिया, कोई भी एक कंपाउंड है जिसका क्रिस्टल लिया, दूसरा एक कंपाउंड है उसका क्रिस्टल लिया, तो दोनों के दोनों मिरर इमेज है, क्या है, मिरर इमेज। फिर से पढ़ता हूं, आप देखो, हाँ, the observations of Louis Pasteur that crystals of certain compounds exist in the form of a mirror images laid the foundation of the modern stereochemistry। तो कैसे ये मिरर इमेज वाले जो कंपाउंड थे उन्होंने फाउंडेशन रखा, तो वो समझते हैं। He demonstrated that aqueous solution of both types of crystals showed optical rotation। तो देखो, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेस पे उन्होंने बोला कि ये जो दो कंपाउंड लिए हैं तो दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, मतलब दोनों ही रोटेशन दिखाते हैं, तो दे आर, वो दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल शोड द ऑप्टिकल रोटेशन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटी सब कुछ सेम है, सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो लोगों की ऑप्टिकल जो ऑपोजिट अभी हमने डिस्कस किया ना कि एक लिवो है और एक क्या है, डेक्स्ट्रो है, ओके, तो वही सेम कंपाउंड हमने वैसे ही तो समझा, ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने वैसे ही समझा ना कि सेम ही लिया हुआ है, ओके, सेम ही लिया हुआ है, तो सब कुछ सेम लिया हुआ है फिर भी ऐसे, हाँ, ओके, तो उसमें तो हमने क्या समझा, अगर तुमने डिफरेंट लिया होता ऑप्टिकल आइसोमर्स में, तो मतलब क्या है ऑप्टिकल आइसोमर्स में, हम समझे कि भाई दे आर रिएक्टिव टुवर्ड्स द लाइट, लाइट होगी तो वो रिएक्टिव है इन द सेंस वो एक चेंज डिफ्लेक्शन लाइट रेज में शो करेंगे। फिर तुमने अलग अलग कंपाउंड लिए होते, मीथेनॉल अलग से लिया होगा, ग्लूकोज अलग से लिया होगा, दोनों में ही हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, आइसोमर तो नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। और आइसोमर्स किसे बोलेंगे, जिसको सब कुछ सेम ही ले लिया, सब कुछ सेम ले लिया है, इवन सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिर एक का रोटेशन ऑप्टिकली, जो हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बोल रहे हैं, तो ऑप्टिकली एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अंडरस्टूड। तो वैसे क्रिस्टल ये भाई साहब ने भी ऑब्जर्व किए, लुईस पाश्चर ने, जो मिरर इमेज ही थे, सो उनको पता चला कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ही बिलीव्ड दैट दिस डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विद द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। उनको ऐसा लगा कि एक डेक्स्ट्रो है और एक लिवो है, सेम सब कुछ सेम लिया है, हाँ, फिर भी एक का रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ, एक का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो एक डी फॉर्म है, प्लस डी फॉर्म है, और एक माइनस एल फॉर्म है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका स्पेस में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना ही चाहिए, भले ही हमें ऐसा लगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस रिलेटेड होगा,
ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। दैट्स व्हाई उन्होंने बोला कि ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन दिख मिल रही है हमें, तो वो किसकी वजह से है? दैट दिस डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विद द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम। मतलब स्पेस में थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट्स मतलब क्या, स्पेस में किस तरह से वो लोग प्लेस्ड है सारे के सारे एटॉम्स और एलिमेंट्स कैसे प्लेस है, और फंक्शनल ग्रुप भी बोल दो, न्यूक्लियोफाइल बोल दो, जो भी बोलो वो, लेकिन वो सारे के सारे कैसे प्लेस्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला लिया, सपोज हमने मीथेनॉल ले लिया, ओके CH3OH, और दूसरा भी ले लिया हमने CH3OH, तो भाई इसके दे आर नॉट आइसोमर, हम कैसे बोलेंगे कि ये आइसोमर्स है? ये दोनों आइसोमर्स नहीं है। क्यों? फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम है, ओके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम है, एक ही कार्बन से ऑक्सीजन OH जुड़ा हुआ है, और यहां भी एक ही कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, डन, तो वन हाइड्रोक्सी ही है दोनों में, ओके कोई नंबर IUPAC नेमिंग भी दोनों का अलग है नहीं, सब कुछ ही सेम है, तो इसे हम आइसोमर नहीं बोल सकते। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट किया ऊपर वाला, तो भाई एक प्लस, वो जो प्लेन पोलराइज लाइट थी वो एक प्लस साइड गई, एक माइनस साइड गई, मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटरी है और एक लियो रोटरी है, मतलब उनको हम आइसोमर तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर तो बोल सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर क्यों है? तो लुईस पाश्चर ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसके बेस से उन्होंने बोला कि ये उनकी स्पेस में थ्री डायमेंशनल कैसी अरेंजमेंट है उसकी वजह से ये चीज हो सकती है। समझ में आया? तो उन्होंने क्या बोला, सपोज मेरे पास ये कार्बन है, एंड मान लो कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और उन्होंने तो मिरर इमेज वाले लिए थे, ये मिरर बना दिया लो, तो कार्बन तो OH यहाँ है, तो यहाँ पर OH मिलेगा, देन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, देन ये जो वर्डिंग में है वो मैं तुम्हें ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, जैसे वो हमने वो ऑप्टिकल भी ये समझा ना, ओके, तो ये तुम्हें याद रखोगे तो तुम लिख सकते हो इजीली, तो वैसे याद रख सकते हो, लेकिन ड्रॉ मत करना क्योंकि फिगर गिवन नहीं है ना बुक में, ओके सो लेकिन ऐसा ही कुछ है, निकोल प्रिज्म, तो प्रिज्म बना दिया, लाइट तो बल्ब बना दिया, लाइक दैट, ओके सो वो फिगर, और दिमाग भूलेगा नहीं, जो भी हमारा ह्यूमन ब्रेन वैसे वर्क करता है, फोटोग्राफ्स, इमेज, फिगर, चार्ट, वो इजीली याद रख लेता है कंपेयर टू दी लिटरेचर और राइटिंग्स, ओके तो वैसे याद रखने स्टोरीज भले ही राइटअप में लिखा हो, लेकिन स्टोरी वाइज याद रखोगे होगा तो अच्छे से याद रह जाएगा, ओके हाँ चलो। तो क्या बोल रहे हैं लुईस पाश्चर ने 1848 में ऑब्जर्व किया कि भाई ये दोनों CH3OH है, दोनों ही CH3OH है, लेकिन ये आइसोमर्स भी नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि ये जो अभी ऑप्टिकल कंपाउंड्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स का टॉपिक हमने देखा, तो वैसे ही हमने प्लेन पोलराइज लाइट पास की पोलरीमीटर में से दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम लेके एक्टिविटी की, तो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहे हैं, एक राइट हैंड साइड सपोज और एक लेफ्ट हैंड साइड। तो फिर उन्होंने अनुमान लगाया, ऑब्जर्व किया क्या कि ये किस वजह से, इसका रीजन क्या है, सब कुछ तो सेम है फिर क्यों डिफरेंट डिफरेंट है? तो उन्होंने बोला कि शायद वो लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम है, ओके लेकिन स्पेस में अलग अलग जगह पर वो लोग अरेंज होंगे थ्री डायमेंशनल। कैसे? देखो जैसे कि ये कार्बन है टेट्रावेलेंसी, तीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सी, तो यहां पर भी कार्बन टेट्रावेलेंसी, तीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सी और से अल्कोहल, ओके मिरर इमेज है, देखो OH जहां यहां मिरर के नजदीक में OH, मिरर के नजदीक में OH, मिरर से जितना दूर सी उतना दूर सी HH, CHH, H, दोनों मिरर इमेज ही है, ओके दोनों मिरर इमेज है, लेकिन तुम चेक करो ये मेरा कंपाउंड है उसके राइट हैंड साइड में अल्कोहल है, और ये मेरा कंपाउंड है उसके लेफ्ट हैंड साइड में अल्कोहल है, ओके तो अगर हम देखें थ्री, ये तो 2D में बताया तो भी अलग अलग आ गया, ओके तो 3D में भी अलग ही आएगा, ओके तो ये थ्री डायमेंशनली अलग अलग लोकेशन पे होंगे, अगेन फॉर्मूला सेम है, IUPAC नेम भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन OH यहां जुड़ा हुआ है कंपेयर टू यहाँ पे OH यहाँ जुड़ा, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, ओके फिर यहाँ पे भी हो सकता है ये OH यहाँ भी हो सकता है और ये H यहाँ से निकल भी सकता है, वो रॉक कैसे होता है रे डायरेक्ट, तो यहाँ भी वो गए कर लिया,
चलो छोड़ो, एक्सपेरिमेंट बाद में करूँगा। ऐसे भी हो सकता है, तो देखो ये भी दोनों सेम ही है ओके, लेकिन ओएस यहाँ जुड़ा, लेकिन उन्होंने मिरर इमेज की बात की है तो हम मिरर इमेज ही ले लेंगे। डन, समझ में आया पक्का? ओके, सो ये उन्होंने बात की कि इस वजह से हो सकता है। एक साइंटिस्ट की बात खत्म, ओके चलो दूसरे साइंटिस्ट पे आते हैं। अच्छा हाँ, टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। अब दूसरे साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट जे वॉन्टहॉफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट लेबेल, इन द सेम ईयर 1874, एक ही साल में दोनों ने अलग अलग किया है ओके, वॉन्टहॉफ ने अलग किया है एंड लेबेल ने अलग किया है एक्सपेरिमेंट, लेकिन सेम ही साल में किया है 1874, मतलब 1848 के बाद, लुईस पाश्चर के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इंडिपेंडेंटली आर्ग्यूड दैट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ फोर ग्रुप्स अराउंड अ सेंट्रल कार्बन इज टेट्राहेड्रल, एंड इफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन आर डिफरेंट, समझाता हूं, द मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज्ड और से ओवरलैप्ड ऑन द मॉलिक्यूल, सच अ कार्बन इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। ओके, अब समझते हैं क्या बोल रहे हैं भाई। वॉन्टहॉफ डच साइंटिस्ट थे और लेबेल फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1874 में अपने अपने जगह पर एक्सपेरिमेंट किए इंडिपेंडेंटली, और उन्होंने बोला कि थ्री डायमेंशनल में एक कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है। हाँ भाई पता है, ठीक है, अगर ये टेट्रावेलेंसी में सब, अब ये यहां से आगे बढ़े, अच्छा चलो, सो सब लोग अलग अलग है, मतलब से कार्बन यहां पर, हाइड्रोजन यहां पर, क्या ले, यहां पर ले लेते हैं मिथाइल ओके, और यहां पर ले लेते हैं इथाइल, यहां पर ले लेते हैं OH, डन ओके। तो क्या बोल रहे हैं अभी ध्यान से देखो, अभी ये तो क्या बोल रहे हैं, देखो ये कार्बन से जो चार टेट्रावेलेंसी है, चारों जगह पे सब लोग अलग अलग है, देखो एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड अल्कोहल, एक साइड इथाइल, एक साइड मिथाइल, सब अलग अलग है। तो अगर ऐसा सब अलग अलग लिया हो तो की बात है। चलो फिर से पढ़ता हूं, अभी उन्होंने क्या बोला कि फोर वैलेंसी ये सब पता ही है, सब्स्टिट्यूएंट, यस, इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन इज डिफरेंट, तो सारे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट ही है, दिख रहा है हमें डिफरेंट है, ठीक है, तो द मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज्ड, मतलब उनकी जो मिरर इमेज होगी वो सुपर इम्पोज नहीं होगी। सुपर इम्पोज नहीं होगी मतलब क्या, सुपर इम्पोज पहले तो ये समझाना पड़ेगा, सुपर इम्पोज हो जाना और सुपर इम्पोज नहीं होना, जैसे कि ये मेरा मिरर है ओके, यहां पर मैंने ऐसा गोला लिया बॉल ओके, और यहां पर भी ऐसे मैंने बॉल लिया, डन, डन ओके, ये लिया मैंने, अब ये पूरा उठा के मैं इसके ऊपर रख सकता हूं, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा पहला वाला कौन सा और दूसरा वाला कौन सा, करेक्ट, इसे बोलते हैं सुपर इम्पोज, डन, मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे की और सुपर इम्पोज हो सकते हैं। दूसरा लिया, ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज है, करेक्ट, मिरर इमेज ही है ना, मिरर इमेज नहीं है, क्यों नहीं, मिरर इमेज नहीं है, है या नहीं, एक्जेक्टली देखा जाए तो नहीं है, क्यों नहीं है, देखो ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो इस साइड, इसका उस साइड होना चाहिए, ये नजदीक वाला पार्ट नजदीक होना चाहिए ओके, वैसे एक्जेक्टली देखा जाए तो नहीं है ओके, सो हमारे पास तो वो भी है ना यार, शेप्स थे ना, कहाँ गए, शेप्स ये रहे, हाँ मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, ब्लू पेन, चलो ठीक है,
एन ये भी क्या है, मिरर इमेज है, अब तो मिरर इमेज ही है ओके, और सुपर इम्पोज हो सकते हैं डन। अब हम लेते हैं हैंड, हैंड में क्यों ड्रॉ करूं, यहां दिखा देता हूं, टाइम लगेगा ओके। ये देखो ये बीच में ये जो कैमरा स्टैंड है वो मिरर है ओके, मैं यहां पे मिरर है ऐसा समझो, ये हाथ और ये हाथ, अभी सर इस हाथ में रिंग है इस हाथ में नहीं है ऐसा मत बोलना ओके। सो ये देखो एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं, अंगूठा इस साइड मतलब मिरर के नजदीक में अंगूठा, पहली अंगूठी है मिरर इमेज। अब मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूं, हुए नहीं हुए, ये क्या सर मछली उड़ा रहे हो ओके तो ये मिरर इमेज नहीं हुए करेक्ट, मतलब सुपर इम्पोज नहीं, मिरर इमेज तो थे लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हुए हैं, समझ में आ गया yes. बस वही बोल रहे हैं ओके। क्या कि मिरर इमेज तो है और मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज, मतलब ये हाथ वाला ओके। थर्ड का आंसर है हमारा हैंड, ओके सो नॉट सुपर इम्पोज्ड ओके ऑफ द मॉलिक्यूल सच अ कार्बन इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन और से स्टीरियो सेंटर। तो ऐसे कार्बन को मतलब ये हार्ट वाला कार्बन है उसको क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, मिरर इमेज है लेकिन असिमेट्रिक और से स्टीरियो सेंटर। हाँ यस करेक्ट ओके अंडरस्टूड। यहाँ पे मिरर का भी होगा शायद ऑप्शन, फ्लिप मिरर ही होगा शायद, वो ही फ्लिप हो गया है खुद ही, हाँ तो चलेगा ना, हो गया ना हो गया तो फिर डी बी हो गया अच्छा चलो मस्ती बंद करते हैं तो ऐसे हम दो क्रिस्टल लिए ओके। अब दो क्रिस्टल लिए, पहले वो लुईस पाश्चर ने तो बोल दिया, अब लुईस पाश्चर का कंक्लूजन क्या था उनके एक्सपेरिमेंट से, कि ये जो भी ऑप्टिकली अलग मिल रहा है ना डायरेक्शन, जो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, वो उनके थ्री डायमेंशनल में अलग अलग जगह पर अरेंजमेंट की वजह से हुआ है, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से ठीक है। अब ये दो भाई साहब आए जे वॉन्टहॉफ साइंटिस्ट एंड फ्रेंच साइंटिस्ट हमारे लेवल, उन्होंने 1874 में एक्सपेरिमेंट किए इंडिविजुअली और उन्होंने उनके दोनों के कंक्लूजन क्या निकले कि जो हमारे मिरर इमेज वाले क्रिस्टल्स हैं, मिरर इमेज वाले ओके, तो मिरर इमेज वाले क्रिस्टल्स हैं वो जो सुपर इम्पोज ना हो पाए एक दूसरे पे उनको हम बोलेंगे क्या, असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर, ये बोलेंगे ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री एंड इज रेफर टू द असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, तो सिमेट्री लैक कर रहा है इसलिए तो असिमेट्री बोल रहा है ठीक है। द असिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग विथ नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ द मिरर इमेजेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ये जो नॉन सिमेट्री मिल रही है ना, ये जो नॉन सिमेट्री मिल रही है वही वजह है, वही वजह है किसकी, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, घुमा रहा है लाइट को और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों साइंटिस्ट का कंक्लूजन ये है। अंडरस्टूड yes. पक्का, किस वजह से ऐसा हो रहा है, असिमेट्री वजह से। अरे असिमेट्री मतलब क्या, अगर हमने मिरर इमेज वाले दो क्रिस्टल लिए हुए हैं और अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं तो उनको बोलेंगे असिमेट्रिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड और से क्या, असिमेट्रिक और डायरेक्टली स्टीरियो सेंटर कार्बन और स्टीरियो सेंटर कार्बन कंपाउंड, यही रिस्पॉन्सिबल है, स्टीरियो सेंटर और असिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड ही रिस्पॉन्सिबल है। डन ओके चलो आगे बढ़ते हैं, द सिमेट्री एंड असिमेट्री आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन मेनी डे टू डे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है स्फीयर है क्यूब बना दो कोन बना दो
all are identical to their mirror image and can be superimposed. However, many objects are non-superimposable on the mirror images. Yes. For example, your left hand and right hand. Yes, so वही right, left hand, right hand look similar. But if you put your left hand on the right hand by moving them in the same plane, they do not coincide. ठीक है, सब understandable है. ठीक है. आगे, the objects which are non-superimposable on their mirror image are said to be chiral or chiral. Okay, जो non-superimposed है उसको ही काइरल और किराल बोलते हैं. तो उसको ही तो हमने क्या बोला, असिमेट्रिक. तो असिमेट्रिक को ही काइरल, असिमेट्रिक को ही किराल. किराल और काइरल तो प्रोनाउंसिएशन है. ओके, सो असिमेट्रिक को ही काइरल बोलते हैं. ओके, और किराल बोल, मैं किराल बोलता हूँ जनरली. अभी के टाइम पे काइरल वर्ड यूज होता है, बट मुझे वो आदत है तो मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ. ओके, किरा दोनों होता है, लेकिन ज्यादातर अब क्या होता है, काइरल यूज होता है. वो तो प्रोनाउंसिएशन है. ठीक है, सो किराल. ओके, वही है, मतलब जो असिमेट्रिक कार्बन है वही किराल कार्बन है. डन. ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज किरालिटी और से काइरालिटी. डन. यही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं. ओके, चलो. काइरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव ऑब्वियसली, व्हाइल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर सुपरइम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड अ काइरल और से अ किराल. ओके, जो सुपरइम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज तो है लेकिन ये तो ये हैंड भी था भाई मिरर इमेज, लेकिन ये सुपरइम्पोजेबल ओवरलैपिंग नहीं कर रहा था, ये लोग ओवरलैपिंग कर रहे हैं. तो जो ओवरलैपिंग कर, देखो थोड़ा वर्डिंग में, जो ओवरलैपिंग करे उसको अकायरल बोलते हैं. ओके, और उसको सिमेट्री बोलते हैं. जहां पे अ है वहां पे सिमेट्री में अ नहीं है और वहां पे असिमेट्री है, वहां पे असिमेट्री है लेकिन बोलते हैं कायरल. वहां पे सिमेट्री है और बोलते हैं अकायरल. डन. तो कंफ्यूज मत होना. अच्छा, चलो. These molecules are optically inactive. तो जो अकायरल होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं. इनएक्टिव मतलब यही हमारे जो हमने एक्सपेरिमेंट ड्रॉ किया उसमें अगर हम यहाँ पे वो कंपाउंड डाल देंगे तो वो कुछ भी शो करेंगे नहीं, कोई रोटेशन नहीं, जैसे आ रही है लाइट वैसे ही जा रही है. डन. ओके, ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. The above test of molecular chirality can be applied to organic molecules by constructing models and its mirror images or by drawing three-dimensional structures and attempting to superimpose them in our minds. There are other aids, however, that can assist us in recognizing chiral molecules. One such aid is the presence of a single asymmetric carbon atom. तो अगर single asymmetric carbon atom है, वहां से भी हमें easily पता चल जाएगा. Okay. Let us consider two simple molecules of propane 2-ol. तो propane 2-ol लिया है हमने, हाँ लिया है, देखो. Propane 2-ol लिया हुआ है and butane 2-ol लिया हुआ है and their mirror image. तो propane 2-ol लिया, उसकी mirror image, फिर butane 2-ol, butane 2 का नहीं दिखाया गया, हाँ लिया, दिखाया है, नीचे दिखाया है. Okay. So propane 2-ol लिया और इसकी mirror image. तो देखो यहाँ मिरर के पास OH है, यहाँ पर OH है, सब कुछ सेम है, मिरर इमेज मिल गई. डन. ओके, तो वो मिरर इमेज हमें मिल रही है. ओके, और फिर ब्यूटेन में भी वैसा ही है, डिटो मिरर इमेज हमें मिल रही है. एज यू कैन सी वेरी क्लियरली, प्रोपेन टू ऑल डज नॉट कंटेन एन असिमेट्रिक कार्बन. असिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या, असिमेट्रिक मतलब काइरल, और काइरल मतलब क्या, असिमेट्रिक मत बोलना जो जो लाइट को डाइवर्ट, हाँ करेक्ट, तो लाइट को रोटेट डाइवर्ट करेगी. ओके, और ये मतलब जो असिमेट्रिक है उसका हमने लुईस पाश्चर ने क्या बोला था असिमेट्रिक कार्बन के लिए, लुईस पाश्चर ने बोला था कि उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी. तो असिमेट्रिक कार्बन और से स्टीरियो सेंटर कार्बन हम किसे बोलेंगे, जो कार्बन है उसके सब जगह अलग अलग भाई साहब ज्वाइन है, ये तो ये असिमेट्रिक कार्बन है. क्यों, टेट्रावेलेंसी में सब कुछ अलग अलग ही है. अगर मीथेन बना दो तो एच 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 एच, तो असिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक कार्बन हो गया. डन.
ओके चलो, तो वही चीज बोल रहे हैं कि इसमें वो ऐसा असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। देखो कहां है तो असिमेट्रिक, ओके असिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या, सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। तो यहां पर तो क्या है, एक कार्बन है, यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, दो दो मिथाइल हो गए तो सेम हो गया ना, सेम नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए नहीं, ओके असिमेट्रिक कार्बन के लिए बात चल रही है, ओके हाँ चलो। सो नहीं है, डज नॉट कंटेन, एज ऑल दी फोर ग्रुप्स अटैच्ड टू दी टेट्राहेड्रल कार्बन आर नॉट डिफरेंट, ओके वी रोटेट दी मिरर इमेज बी ऑफ दी मॉलिक्यूल बाय 180 डिग्री। तो जो हमें मिरर इमेज मिली उसको हमने 180 डिग्री रोटेट कर दी, मतलब जैसे कि अगर ऐसा है तो इसको 180 डिग्री रोटेट करें तो क्या हो जाएगा, सपोज OH यहां आ जाएगा और CH3 यहां आ जाएगा और ये H नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही होगा, ओके yes. तो यही इमेज को भी ऐसे 180 डिग्री रोटेट किया तो हमें ऐसा मिल गया, ठीक है ओके। एंड ट्राई टू ओवरलैप दी स्ट्रक्चर विद दी स्ट्रक्चर ए, मतलब ये स्ट्रक्चर जो हमें मिला है 180 डिग्री वाला, ओके उसको ये सी को ए के साथ, देखो दिखने में सेम लग रहा है तो सी को ए के साथ हमने रोटेट मतलब ओवरलैप करना चाहा है, दिस स्ट्रक्चर कंप्लीटली ओवरलैप, तो वो ओवरलैप तो कंप्लीटली हो रहे हैं, और ओवरलैप हो तो उसे क्या बोलते हैं, काइरल और अकाइरल, अकाइरल, क्योंकि नॉट सुपर इम्पोज्ड वाले काइरल थे, ओके सो ये क्या है, अकाइरल है, ये क्या है अकाइरल है, और इसमें सिमेट्रिक कार्बन नहीं है, असिमेट्रिक कार्बन, ओके मतलब कि देखो क्या हमने वो असिमेट्रिक का तो पहले ही पढ़ लिया कि डज नॉट कंटेन एन असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, असिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो मीनिंग क्या हुआ उसका, सिमेट्रिक कार्बन है, सिमेट्रिक कार्बन है मतलब क्या कि सारे के सारे जो टेट्रावेलेंसी है उसमें एक दो तीन से, मतलब एक तो एक है, दो या तीन सेम होने चाहिए, मतलब जैसे यहां मिथाइल और मिथाइल, देखो ये वर्ड असिमेट्री और उसमें फंस मत जाना, ओके इसीलिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियोसेंट्रिक कार्बन हमने किसे बोला था, तो यही चीज याद रखो, जिसमें टेट्रावेलेंसी में सब कुछ अलग अलग हो एलिमेंट से, हम मिथाइल है, इथाइल है, हाइड्रोजन है, अल्कोहल है, वो है हमारा असिमेट्रिक कार्बन, तो वैसा असिमेट्रिक कार्बन कहाँ है यहाँ पर, ये कार्बन असिमेट्रिक नहीं है क्योंकि दो दो सेम आ गए, मिथाइल मिथाइल दो आ गए, एक ही होना चाहिए, डन, तो वो असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। और फिर हमने मिरर इमेज लिया, मिरर इमेज को रोटेट किया और फिर ओवरलैप करना चाहा तो वो ओवरलैप हो गए, और ओवरलैप हो गए तो वो कौन से है, अकायरल है, ओवरलैप ना हो वो कायरल, तो कार्बन असिमेट्रिक नहीं है, कार्बन असिमेट्रिक नहीं है, तो ये कंपाउंड है अकायरल, डन, कंपाउंड अकायरल मिला ना, क्यों अकायरल मिला, क्योंकि ओवरलैप हो गया, इसलिए कायरल होता तो ओवरलैप नहीं होता, ओवरलैप नहीं होता तो कार्बन कौन सा होता, असिमेट्रिक कार्बन, तो काइरल के साथ असिमेट्री है, मतलब ऐसा समझो दोनों सेम जगह पे नहीं आएगा, असिमेट्री है तो काइरल आएगा, अकाइरल है तो सिमेट्रिक कार्बन का आएगा, डन ओके चल, हाँ तो ये हमने समझा, नाउ दिस स्ट्रक्चर कंप्लीटली ओवरलैप, दस प्रोपेन टू ऑल इज एन अकाइरल मॉलिक्यूल, वैसे ही ब्यूटेन के लिए देखते हैं, देखो ब्यूटेन टू ऑल हैज फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू द टेट्राहेड्रल कार्बन, देखो यहां पर है ये ब्यूटेन टू ऑल, कार्बन के साथ मिथाइल है, इथाइल है, हाइड्रोजन है और अल्कोहल है, तो ये तो असिमेट्रिक हो गया, क्यों असिमेट्रिक, सारे के सारे डिफरेंट हो तो असिमेट्रिक, सारे के सारे डिफरेंट हो जस्ट लाइक दिस, यही तो है, यही है देखो मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन, यही यही है देखो, अंडरस्टूड, समझ में आया पक्का, तो फिर हमने नाम क्या दिया इसका, नाम क्या दिया, ब्यूटेन टू ऑल, तो क्यों ब्यूटेन टू ऑल दिया, तो कार्बन बनाओ, ये देखो एक एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और दो पे ऑल, डन, मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा ना, हम ऐसा नहीं बोल सकते सर ये तो मीथेन में सब कुछ जुड़ा हुआ है, नहीं
यहाँ हाइड्रोजन होता तो एक मिथाइल है और फिर हम बोल सकते कि मिथ है, लेकिन कार्बन कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, तो ब्यूटेन ही होगा। आईयूपीएसी तो हम देख लिए हैं, ओके। हाँ, तो ब्यूटेन टू ऑल जो हमने ड्रॉ किया है वही, सो वो क्या है हमारा असिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि सबका सब अलग अलग है। अटैच्ड टू द टेट्राहेड्रल कार्बन इज एक्सपेक्टेड काइरल, काइरल एक्सपेक्ट कर सकते, असिमेट्रिक कार्बन तो काइरल एक्सपेक्ट कर सकते। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ काइरल मॉलिक्यूल्स सच एज 2-chlorobutane, 2,3-dihydroxypropanol एंड ब्रोमो क्लोरो आयोडो मिथेन, ब्रोमो क्लोरो आयोडो मिथेन मतलब एक कार्बन एक हाइड्रोजन और बाकी तीन हेलोजन, ब्रोमो क्लोरो आयोडो, ओके, देन 2-bromopropanoic एसिड एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है हमारे काइरल मॉलिक्यूल्स है। एक मार्ग में पूछा जा सकता है कि नेम से टू, एक मार्क में पूछेंगे तो नेम सम और से टू, सम बोले या कुछ भी बोले एक मार्क में है तो मिनिमम दो तो लिखने ही पड़ेंगे, ओके। सो नेम काइरल कंपाउंड्स, ओके। तो तुम काइरल कंपाउंड्स के लिए क्या करोगे, सिर्फ कार्बन, काइरल कंपाउंड है ना तो तुम्हारा कार्बन असिमेट्रिक होना चाहिए, ओके। कार्बन असिमेट्रिक मतलब क्या, कार्बन असिमेट्रिक मतलब सारे के सारे जो है ओके वो डिफरेंट होने चाहिए, पर सारे के सारे में कोई भी दो सेम हो गए तो वो असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, और अगर वो असिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो वो फिर कौन सा हो जाएगा, काइरल हो जाएगा, ओके। मतलब असिमेट्रिक कार्बन हो तो वो काइरल है, और असिमेट्रिक कार्बन ना हो तो वो सिमेट्रिक कार्बन है तो फिर वो अकाइरल हो जाएगा, डन, ओके। चलो, दी स्टीरियो आइसोमर्स related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomers, okay, मतलब stereo isomers है, stereo isomers मतलब क्या, space में ही उनकी position अलग अलग है, otherwise सब कुछ same है, सब कुछ same है लेकिन space में, हमने draw किया था ना, ये, okay, ये एक है और ये एक दूसरा है, तो space में उनकी जगह अलग अलग है लेकिन है एक ही, तो उसे बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब क्या, कि भाई सब कुछ सेम है लेकिन एक ऑप्टिकल रोटेशन क्लॉकवाइज देता है, एक ऑप्टिकल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज देता है, तो वो ऑप्टिकल है। नॉर्मल आइसोमर हमें पता है, ऑप्टिकल आइसोमर मतलब लाइट रिलेटेड, स्टीरियो आइसोमर मतलब स्पेस रिलेटेड, डन, ओके। सो स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज non-superimposable mirror images are called enantiomers, तो non-superimposable होंगे, obviously non-superimposable होंगे, यहां से यहां तुम ऐसे लाओ अब दोनों को तो ये OH और H मिल जाएंगे, then तो वो non-superimposable है तो उनको क्या बोलेंगे, enantiomers, okay, ठीक है। so A and B in the figure 6.5 में A और B ये रहे, okay, तो वो वही है और यहां पर भी वो दोनों वही है, okay, चलो। Enantiomers possesses identical physical properties, namely melting point, boiling point, refractive index, सब कुछ same होता है. They only differ with respect to the rotation of the plane polarized light. So plane polarized light है, वहीं पे वो लोग differ करते हैं. Okay. If one of the enantiomers is dextrorotary, the other will be levorotary. तो ये जो enantiomers है, उसमें देखो enantiomers मतलब पहले हमने क्या बोला? स्टीरियो आइसोमर्स मतलब स्पेस रिलेटेड, नॉर्मल आइसोमर तो हमें पता ही है, ऑप्टिकल आइसोमर मतलब लाइट रिलेटेड, और लाइट रिलेटेड एंड स्पेस रिलेटेड दोनों हो ना, दोनों, ओके, उसको हम बोलते हैं एनएंटियोमर्स। तो एनएंटियोमर्स हो वो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, तो डिफरेंस ये है कि एक लाइट का ऑप्टिकली भी दे आर आइसोमर्स, क्यों दोनों हो तो है ना, स्पेस एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स हो उसको हम बोलेंगे एनएंटियोमर्स। So, क्या है, एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा, तो वही चीज बोली गई है, ओके, अदर विल बी द लीवो रोटरी, अंडरस्टूड, ओके। ये नोट भी देख लेते हैं, हाउएवर द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, यस। सो आगे, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एंटियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशंस, भाई ऐसा ले लिया अगर तुमने, ओके, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एंटियोनोमर्स मतलब ये एंटियोनोमर्स है, एन एंटियोमर्स है, ओके, मतलब क्या, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है
वो स्टीरियो आइसोमर्स है, डन। अब वो मैंने मिक्सचर ले लिया सेम अमाउंट में ले लिया, ओके मिक्सचर ले लिया दोनों का, ये मतलब 100 ml लेना है तो ये 50 ml, ये 50 ml दोनों ले लिया और फिर मिक्स कर दिया। अब मैंने वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर पोलेरीमीटर में वो रखा, ना पहला वाला पूरा लिया ना दूसरा वाला पूरा लिया, दोनों का मिक्सचर लिया सेम अमाउंट में 50-50 और फिर यहाँ रखा, तो वो ना डेक्स्ट्रो होगा ना लीवो होगा। क्यों भाई, होगा तो सही, होगा सही, लेकिन एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, ऐसे करके दोनों एक दूसरे की प्लस माइनस इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे, अंडरस्टूड। तो एक्चुअली कोई रोटेशन होगा नहीं, ओके। सो वही चीज बता रहे हैं, मिक्सचर में ऐसा ही होता है। देन से एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू द अदर आइसोमर, यस। Such a mixture is known as the racemic mixtures or racemic modification. तो ऐसे mixture को हम क्या बोलेंगे? Racemic mixtures or modification. कौन सा? जो enantiomers है, देखो कितना detailed जा रहा है। Enantiomers मतलब क्या? अरे जो stereo isomer हो और जो optical isomer हो, दोनों हो, उसको बोलते हैं हम enantiomers. अच्छा ठीक है, फिर उसके ऊपर भी जाना हो तो जा सकते हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब क्या, स्टीरियो आइसोमर्स मतलब क्या, तो वो तुम पूछते पूछते जाओगे तो तुम्हारी पूरी थियरी रिवाइज हो जाएगी, ओके। तो ये जो एनएंटियोमर्स है, ओके, वो एनएंटियोमर्स में हमने इक्वल प्रोपोर्शन ले लिया और मिक्सचर बनाया, दो कंपाउंड थे एनएंटियोमर्स, उसका इक्वल प्रोपोर्शन से मिक्सचर बनाया। अब ये जो मिक्सचर है वो मिक्सचर को ही हम बोलते हैं क्या, रेसिमिक मिक्सचर। कि अलग अलग तो वो आइसोमर की प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी थे, अलग अलग वो ऑप्टिकल आइसोमर थे, यहां से उठाया ऑप्टिकल आइसोमर है, यहां से उठाया वो भी ऑप्टिकल आइसोमर है, लेकिन दोनों को इकट्ठा किया फिक्स प्रोपोर्शन में और फिर अगर हमने किया, कोई ऑप्टिकल आइसोमर है मतलब कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही नहीं कर रहे, सीधे सीधे ही चले जा रहे, डन। तो वो होता है हमारा रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाई प्रीफिक्सिंग DL, एक डेक्स्ट्रो का D और लीवो का L, तो दोनों का मिक्स किया तो DL, और से प्लस माइनस बिफोर द नेम, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनएंटियोमर्स इनटू रेसिमिक मिक्सचर्स इज नोन एज द रेसिमाइजेशन। तो क्या है, एनएंटियोमर्स थे, दोनों अलग अलग थे, अलग अलग में से इक्वल प्रोपोर्शन में लेके मिक्स करने की ये जो प्रोसेस है, मिक्सिंग की प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं रेसिमाइजेशन, डन, ओके। सिंपल था, समझ में आ गया, पक्का, ओके। तो ये हमने पढ़ा सेकंड वाला, जो सेकंड में हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई काइरालिटी पढ़ी, ओके, एनएंटियोमर्स भी पढ़े एंड मॉलिक्यूलर असिमेट्री भी पढ़ा, डन, ओके। तो ये सेकंड था।